हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विदन के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग में बहुत आप लोग डिमांड कर रहे थे। पता नहीं आप किस एग्जाम, जैसे यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए इतनी डिमांड कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ भी उम्मीद है, यूपी कॉन्स्टेबल की बात करूं तो बिल्कुल आ सकते हैं। वैसे ये बैंकों की बनाई हुई रीजनिंग है और बैंक के लिए बहुत वैल्यूएबल होती है, और आज आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। या मैं कहूं कि आप लोग अगर परेशान हो चुके हैं कि कहीं से भी हमें समझ नहीं आया ये, या ये बहुत मुश्किल होते हैं, तो आपका ये कहना बिल्कुल गलत है। आज के बाद आप ये तो नहीं कहोगे ये मुश्किल है, ठीक है। आप देखिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा, आपको लगेगा कि वाकई ये बहुत आसान थे, हम तो इससे वैसे ही डरे बैठे थे। तो देखिएगा, इनपुट होता क्या है पहले तो समझ लीजिए। पहले आप समझ लिए इनपुट और आउटपुट है क्या। ये दोस्तों एक मशीनी लैंग्वेज है, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जैसे हम कंप्यूटर में एक 10-12 नाम रेंडमली डाल, है ना, ऐसे 2-4 नाम, महेश, सुरेश, रमेश, ललित, तो कंप्यूटर जो उनको निकालेगा और कंप्यूटर से बोले इन्हें व्यवस्थित कर दो, तो कंप्यूटर पर कोई और तो उपकरण नहीं है, वो तो एक या तो डिक्शनरी क्रम में व्यवस्थित करेगा, या तो डिक्शनरी के आरोही क्रम में, या डिक्शनरी के अवरोही क्रम में। अब डिक्शनरी का आरोही क्या होता है, जैसे ए वाला सबसे पहले, बी वाला सबसे बाद, तो अगला सी वाला उससे अगला, डी वाला उससे बाद, तो ऐसे जैसे हम डिक्शनरी लगाते हैं ना। और अवरोही क्या होगा डिक्शनरी का, जेड की तरफ से सबसे पहले, फिर वाई का, फिर एक्स का, तो लास्ट में ए का। तो इस तरीके से अगर अंग्रेजी के नाम है तो वो सेटअप करके देता है आपको। और दूसरी बात, अब इसको हम जो अपने आप करें या कंप्यूटर को देखें, तो उसने कैसे कैसे चरण बनाए होंगे, स्टेप कैसे कैसे लिए होंगे, तो कंप्यूटर एक स्टेप में एक काम करेगा, ऐसे हम मानते हैं, ठीक है। तो मशीन एक स्टेप में एक काम करेगी, स्टेप वन में ये भर दिया उसमें, स्टेप टू में ये दूसरा सेट कर देना, स्टेप थ्री में तीसरा सेट कर देना, इस तरीके से वो सेट करता है। लेकिन आप ये ध्यान रख लो कि दो चरण एक से नहीं होंगे कभी, ठीक है, कि चरण वन में भी वही बात लिखी है, चरण टू में भी वही बात लिखी है। तो आप सोचिए, एक इनपुट आप कंप्यूटर में डालते हो और कंप्यूटर उसको कैसे सेट करेगा, या तो सबसे पहले इनमें कौन सा आएगा, M आएगा, S आएगा, R आएगा, L आएगा, बताओ, L आएगा। या तो कंप्यूटर ललित को सबसे पहले रखेगा, या किसको रख सकता है कंप्यूटर सबसे पहले, सबसे पहले लास्ट वाले को भी रख सकता है। क्या, कौन है वो, सुरेश। S सबसे बाद में आएगा ना, तो सुरेश से भी शुरुआत कर सकता है, सुरेश के बाद रमेश, रमेश के बाद महेश, और महेश के बाद ललित, ठीक है। और अगर उसने सीधे सेट किया है तो ललित पहले रखा होगा, फिर महेश रखा होगा, फिर सुरेश, रमेश रखा होगा, लास्ट में सुरेश रखा होगा, ठीक है। तो ऐसे तो दो ही तरीके हैं उसके पास सेट करने के। तो ये सवाल में दिया आता है कि कंप्यूटर ने सेट कैसे किया है, और आपको एक नया इनपुट बना के दे देगा कि आप भी बिल्कुल ऐसे ही सेट करो। तो जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि सवाल में आया कि इसका इनपुट ऐसे सेट किया गया, ऐसे देगा आपको, तो आप इसको पहचानो, आप लास्ट स्टेप पे निगाह मारो, सबसे पहले लास्ट स्टेप और कुछ मत देखो। तो लास्ट स्टेप में आपने देखा कि पहले ललित को रखा है, फिर महेश को रखा है, फिर रमेश को, फिर सुरेश को। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि यह डिक्शनरी के क्रम में रख रहा है, डिक्शनरी का क्रम है, पहले ललित जो डिक्शनरी के क्रम। तुम कहो जी दो एल वाले आ गए, तो डिक्शनरी लगाई नहीं है तुमने दो एल वालों का, ठीक है। जैसे अब कोई और नाम आ जाए ललित के अलावा एल से, जो भी कुछ नाम हो, ठीक है, तो वो लाला ही आ गया, मान लो लाला, तो लाला को कहाँ रखोगे, ललित से पहले या बाद में। देखिए एल ए एल तक दोनों एक से हैं, ये ए आ गया इसमें और इसमें आई आ रहा, तो लाला और पहले चला जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वो डिक्शनरी क्रम है, आप लगा लो। अब आ जाओ स्टेप पे, तो एक स्टेप में कितने लोगों को ये सेट करता है। चलिए स्टेप वन, स्टेप वन में हमें दिख रहा था सबसे पहले ललित को लिया जाएगा, क्योंकि इसने लास्ट में सबको ऐसे सेट किया है, तो सबसे पहले हम जो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा उसको सबसे आगे उठा के रख दो, तो सबसे पहले, क्योंकि जब ही तो क्रम लगेगा। और बाकी जो है ललित को यहां रख दिया, और बाकी इसी क्रम में रहेंगे महेश, सुरेश, रमेश, क्लियर है। चलिए अब दूसरी बात मैं कहूं तो अगली लाइन में क्या करेगा, ललित तो पिछली लाइन में कर दिया था, अब दुबारी किसकी है, महेश को रखने की। एल के बाद तो एम ही आएगा, पर महेश ललित के बाद आएगा, ये तो वैसे ही सेट है अपनी जगह। तुम कहो जी महेश यहां रख दूंगा, मैं महेश यहां रख दूंगा, मान लो ललित तो ऐसे ही उतार दूंगा, सेम,
महेश को इसको यहां उतारूंगा। महेश तो रखना ही नहीं पड़ा, महेश तो अपनी जगह पर सेट हुआ है या मिल गया। तो फिर अगर तुम बाकियों को यूं उतारने लगे, सुरेश को यहां और रमेश को यहां, तो फिर ऊपर वाले और इस स्टेप में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए दूसरा स्टेप जो बनेगा वो महेश जो अपनी जगह सेट है, ये तो अपनी जगह सेट है ना दोनों जगह, तो ये अपनी जगह सेट है, तो इससे अगले वाले को सेट कर दो क्योंकि ये तो सेट मिल गया। अब देखो, अब सुरेश और रमेश में पहले कौन सा आएगा, तो रमेश पहले आएगा। अगर आपने रमेश को यहां सेट कर दिया, रमेश को यहां सेट कर दिया, तो सुरेश अपने आप ही अपनी जगह पे सेट, रमेश या सुरेश या। अच्छा नहीं आया समझ में, तो कोई बात नहीं, अगला मैंने इसलिए एग्जांपल लिखा है। इसी बेस पर अब ऐसे सवाल आएगा, ये तो दिया आएगा सवाल में, तो इसी बेस पर आप इसको सेट करो, अब आपको समझ आएगा। दूसरी नहीं आया ना ऊपर वाली बात समझ में, अब आ जाएगी, कोई बात नहीं, मैं हो सकता है अच्छा नहीं समझा पाया हूं, पर अब आएगी समझ में, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले क्या रखोगे, ऊपर वाले की तरह करना है, ऊपर वाले में किया था डिक्शनरी के क्रम में, तो सबसे पहले कौन सी आएगी इनमें, बबीता, तो बबीता, बबीता यहां आ गई। फिर सीमा अपनी जगह पे वहीं की वहीं रहेगी, बबीता तो सबसे पहले आएगी, अब सीमा, कविता, कविता, नीलम, नीलम। अब बबीता तो शुरू में ही इधर चली गई थी, तो बबीता को दोबारा थोड़ी लिखूंगा, बबीता तो आ चुकी है लाइन में। अब दूसरी बात, बबीता के बाद किसको सेट करूंगा, देखिए बबीता अपनी जगह पे, अब इस स्टेप में अब एक को और सेट करना पड़ेगा, कौन से क्रम को, तो एस के एन। अब आप खुद देखो कौन सा इनमें आएगा, पहले एस आएगा, के आएगा, एन आएगा, तो के आएगा कि ना, है ना, एबीसीडी में के आता है, कविता यहां आ गई। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा देखिए के बाद, अब ऐसा तो है नहीं कि इसी स्टेप में सबको लगा दूंगा, तो अब एक स्टेप में एक की जगह बदल सकते हो आप बस, तो सीमा ऐसी की ऐसी उतार दो और नीलम बिल्कुल ऐसी की ऐसी उतार दो। ये हो गया स्टेप वन, ये हो गया स्टेप टू और स्टेप थ्री। अब स्टेप थ्री, बबीता और कविता तो लग चुके हैं पहले ही क्रम में, अब इनमें से बारी है, तो अब एक को लगाओ इनमें से, नीलम लगेगी पहले और सीमा फिर उतार देंगे ऐसी की ऐसी। अगर सीमा यहां उतार, अब अगले स्टेप में क्या करोगे, नीलम तक तो लग गई, अब सीमा को रखूंगा अगले में, और अगले में फिर तो यही स्टेप बन जाएगा, तो यही तो हो गए पूरे क्रम सेट तो हो गया पूरा, अब अगले क्यों करोगे तुम, क्यों सीमा की वजह से नहीं करेंगे, अरे भाई क्यों बनाओगे जब क्रम सेट ही हो गया है ना। लास्ट की जो दो बचती है ना, तो एक लग जाओ उनमें से, दूसरी तो अपने आप देखे फिक्स हो ही जाएगी। तो ये तीन स्टेपों में ये चरण पूरा हुआ, तो ऐसा मत समझना कि जी चार नाम थे ऊपर दो स्टेप बने, तो चार नाम है तो नीचे भी दो ही बनेंगे, नहीं, तीन स्टेप बन सकते हैं। अगर चार अक्षरों वाला है ना, तो कम से कम तीन, ज्यादा से ज्यादा तीन ही बन सकते हैं। अगर पांच वाला हो तो चार स्टेप बनेंगे, छह वाला हो तो पांच स्टेप कम, ये ज्यादा से ज्यादा पांच स्टेप, ये ज्यादा से ज्यादा है, ये चार थे तो ज्यादा से ज्यादा तीन स्टेप, पर तीन से कम में ही सिमट गया क्योंकि क्रम ही लग गया। आप इसको देखो अब लगा के खुद, चलिए तो ये तो हो गया डिक्शनरी, डिक्शनरी वाली बात। अब लेकिन अंक आ जाए तो उनको किस क्रम में लगाएंगे, अब अंकों का तो एक ही क्रम है, इनपुट आ गया नया, अंकों का तो एक ही है, आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो अब आप देखिए लास्ट वाली लाइन पे जाओ, इसने क्या लगा रखा है, 98, 44, 37, 15, 12, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लगा रखा है इसने, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने पहले किसको लगाया होगा, 98, फिर किसको लगाया होगा इसने, 98, एक में एक ही तो करेंगे, इसका क्रम बदल दिया, और बाकी जौके त्यों, बाकी जौके त्यों। अब दूसरे स्टेप में आ जाओ, 98 नीचे, फिर बाकी, अब एक और तो सेट करना पड़ेगा दूसरे स्टेप में, ऐसा थोड़ी है कि अब ऐसा ही उतार दो, ये तो बिल्कुल दोनों सेम स्टेप हो जाएंगे फिर। तो आप देखो, तो अब कौन सा आएगा, 98 के बाद 44, तो 44 की बारी, तो 44 रख दिया यहां, स्थान बदल गया, बाकी जौका त्यों, जौका 44 तो गया। अब थर्ड स्टेप में 98, 44 सेट है, दो स्टेप में पहले ही, अब 37 को रख दो क्योंकि 37 आ रहा, 12, 15 अपनी जगह, 98, 44, 37 सेट हो चुके हैं, 12, 15 में से 15 आ जाएगा, 12 यहाँ सब कुछ सेट हो गया, चार स्टेप हो गया। तो पांच संख्याएं ही थी ना, तो ज्यादा से ज्यादा चार स्टेप बन सकते हैं, तो ये बन गए। अब उम्मीद करता हूं ये स्टेप आपको समझ आ गए होंगे। अब इसी आधार पर आपको कुछ और संख्या दे दी, 99, 44, 12, 57, 15,
ठीक है, आपको ये पांच संख्याएं दे, अब इसको चरणबद्ध कर इसी तरीके से, बिल्कुल। तो ऐसे पूछेगा इसमें कितने स्टेप बनेंगे, तो आप बनाओ ना इसमें स्टेप, ये इनपुट है। तो आप एक काम करो, तो ऐसा कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले ये आएगा एक नंबर, ठीक है, इसकी जल्दी करने, क्योंकि आपको लग रहा होगा इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, कितने स्टेप बनेंगे, बार बार बनाए जाओ, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, तो एक नंबर डाल दो, एक नंबर, फिर इसके बाद आएगा ये दो नंबर, फिर इसके बाद क्यों आएगा ये दो नंबर, क्योंकि देखिए अवरोही क्रम है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा इसका नंबर, फिर चौथा इसका नंबर, फिर पांचवा इसका, ऐसे ही है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में पहला नंबर सबसे पहले 99 आएगा, तो 99 तो सबसे पहले ही है, तो फिर बाकी को यूं ही उतार दूं क्या, 1, 3, 5, 2, 4, तो भाई फिर इनपुट में और फर्स्ट स्टेप में क्या फर्क किया तुमने, कुछ नहीं। तो इनपुट और फर्स्ट स्टेप एक सा नहीं होना चाहिए, मतलब तुम 99 में उतार दो और बाकी में ही लिख दो, तो फिर इसमें और इसमें फर्क क्या रह गया, तो इनपुट और फर्स्ट स्टेप में फर्क करो थोड़ा सा, एक चीज तो कम से कम सेट करो, ये तो सेट है अपनी जगह। अब इसको उठा लाओ ना दो नंबर को, तो एक ही स्टेप में दो चीज सेट हो गई, और बाकी जौका क्यों, देखिए एक तो यही था, दो यहां उठा लाया, तीन यहां आ गया, पांच यहां आ गया, चार यहां, चार अपनी जगह पे। अब दूसरा, तो एक दो तो सेट है पहले से ही, अब हमने इसमें ये सेट किया था कि नहीं किया था, दूसरे वाला, अब तीन अपनी जगह पे ही सेट, अब तीन वाला लेता मैं, तीन तो अपनी जगह पे सेट मिला, तो तीन अपनी जगह, तो एक और सेट कर दो इनमें से, चार को यहां ले आओ, पांच यहां, तुम कहो नहीं ऐसे ही लिख दो 3, 5, 4, फिर ये दोनों स्टेप एक से नहीं हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो 3, 4, 5, अब देखो ये पूरा क्रम बन गया कि नहीं बना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ जाना चाहिए लास्ट में, 1, 2, 3, 4, 6 हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये दो स्टेप बनेंगे पूरे में बस। और क्या क्वेश्चन बनाएगा, एक तो क्वेश्चन बनाएगा इसमें कितने स्टेप बनेंगे इसके आधार पर, दूसरा क्वेश्चन बना देगा कि इसमें दूसरे नंबर पर, दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, दूसरे स्टेप में तीसरे नंबर पर 1, 2, 3, तीसरे नंबर पर 3 आ रहा है, तीन पे क्या 44, तो आपका उत्तर होगा 44, ठीक है, 3 नहीं होगा 44 होगा। अब आपसे पूछे इसमें पहले स्टेप में, इसमें पहले स्टेप में पांचवे नंबर पर क्या आया है, तो पहले स्टेप में पांचवे पर 1, 2, 3, 4, 5, पांचवे पर 4 आया, 4 का मतलब 15, तो आपका उत्तर 15 हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था एकदम सिंपल कि मैथ की संख्याएं आ जाए या इंग्लिश की आ जाए, तो आप बड़े आराम से इनको कर लोगे, कोई समस्या बताओ, नहीं है ना भाई, डिक्शनरी क्रम या डिक्शनरी का उल्टा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसको और इसको एक साथ मिक्स करके दे देता है, महेश भी 12, भी सुरेश 98, रमेश 37, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा उनको भी देख लेते हैं। देखिए ये किताबी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इनपुट लाइन दिए जाने पर मशीन नीचे दिए गए उदाहरण के आधार पर मशीन पुनः चरण दर चरण पुनः व्यवस्थित करती है, करे जाओ हम पे क्या जोर पड़ रहा। अब देखो, अब आएगा, देखिए क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखिए ये तो सवाल है, इतना तो सवाल दिया हुआ आएगा, पूछेगा क्या, पूछ तो ये रखे, देखो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, उपरोक्त चरणों के आधार पर बताएं निम्नलिखित इनपुट का चौथा चरण क्या होगा, अलग इनपुट दे दिया तो इसके चौथे चरण ऑप्शन ये दे दिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, उपरोक्त इनपुट में इस इनपुट में कितने चरण बनेंगे, तो चरण बना दो। तीसरा क्वेश्चन दे दिया कि ये करके यह इनपुट कितने चरणों में पूरा हुआ उपरोक्त के आधार पर, उपरोक्त कौन सा है, इसके आधार पर। तो ये जो है सवाल बिल्कुल ऐसा ही आएगा पेपर में, ऐसा लिखा हुआ आएगा। अब आपको इसे समझना है, पहला काम है इसे समझना। अब समझ कैसे सकते हैं, देखिए अब आप एक बात देखिए, ये लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन इनपुट। अब आप लास्ट स्टेप पे आ जाओ, बस लास्ट को देखते हैं। इसने सबसे पहले सबसे छोटी संख्या रखी है ना, सबसे 32 है, फिर 69 है, 73 है, 85, तो संख्याओं को तो इसने लगाया है आरोही क्रम में, ठीक है। और जो ये है गो और ये मस्ट और सो, इनको किस क्रम में लगाया है, पहले जी, फिर एम वाला, फिर ऑन वाला, फिर एस वाला, देखिए जी एम ओ एफ, तो ये भी क्या है, डिक्शनरी क्रम में, आरोही क्रम में, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसने लगाया हुआ है। तो पहले एक अंक लेता है,
फिर दोबारा में एक संख्या ले, वो एक वर्ड लेता है, फिर एक संख्या लेता है, फिर एक वर्ड लेता है, फिर एक संख्या लेता है, फिर एक वर्ड, तो ये कर रहा है ये, इसलिए इतने सारे इनपुट बन रहे, तो चरण बन रहे हैं। तो पहला चरण में इसने क्या किया है, चलिए तो चरण कभी भी देखिए, तीन और तीन छह और दो आठ है, सात चरण से ज्यादा कभी नहीं बनेंगे, और जो चीज अपनी जगह सेट मिल जाती है वो उतने ही चरण कम करवा देती है, तो इसमें एक भी चीज अपनी जगह पे सेट नहीं हुई होगी तभी ये सात चरण बने, नहीं तो ये तीन चार चरणों में भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि आठ है तो सात ही चरण बनेंगे हमेशा, मैक्सिमम सात बनेंगे। चलिए तो चरण वन क्या कहता है दोस्तों, 32। अब देखिए इसको अब हमें पहले ही पता लग गया कि इसने जो है 32 को पहले रखना है, ठीक है, वो तो इसने समझाया है पूरा एक लाइन में, एक चीज है अब मैं जो देख रहा हूं एक लाइन में सिर्फ 32 ही सेट किया और तो नहीं किया, बाकी तो ज्यों का त्यों उतारा है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो, 32 को शुरू मिलेगा। दूसरे में अब इसने क्या सेट किया, 32 तो यू ही, अब गो को उतार लिया क्योंकि एक अंक संख्या और दूसरा फिर डिक्शनरी आती है, तो ये आ गई डिक्शनरी, क्लियर है, डिक्शनरी आ गई, तो ये आ गई। चलिए तो मैं अगर इन पर नंबर डाल लूं तो आपको और समझने में आसानी होगी, देखिए एक एक नंबर ऐसे डाल सकते हो आप, एक नंबर पे ये है, दो नंबर पे ये आएगा, तीन पे क्या आएगा खुद बताओ, तीन पे क्या आएगा, तीन पे संख्या आएगी, संख्या कौन सी 32 से बड़ी, 69 तीन नंबर, फिर एक वर्ड आएगा चौथा नंबर, जी के बाद कौन सा आएगा, जी के बाद आएगा एम, तो ये चौथा नंबर, तो ऐसे किया है, तो पहले स्टेप में एक वाली सेट, दूसरे स्टेप में गो वाली सेट, तीसरे स्टेप में 69 वाला सेट, चौथे स्टेप में मस्ट वाला सेट, तो ऐसे सेट किए हैं इसने, ठीक है, हर स्टेप में एक एक और बाकी जो का त्यों उतारे जा रहा है, अब देखो समझो इसको ऐसे ही किया है। अब मैं इसी इनपुट के आधार पर इस नए इनपुट को क्रमबद्ध करवाऊंगा आपसे, तो निम्नलिखित इनपुट का चौथा चरण बताओ, चौथा क्या होगा। चलिए तो मैं इसका आपको पहला चरण बताने लगूं, तो कैसे चरण बताऊंगा दोस्तों, तो आप एक काम करो, इस पर नंबर डाल लूं क्या, बिल्कुल आप डाल लीजिए, क्योंकि सबसे पहले संख्या आएगी, संख्या कौन सी आएगी, सबसे छोटी है ये, फिर कौन सी आएगी, फिर आएगा वर्ड, वर्ड कौन सा जो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा, एफ वाला आएगा, तो दो नंबर, तीन नंबर फिर संख्या पे जाएगा, 36, 48, 59 कौन, 14 के बाद बताओ ना, 36, चौथा नंबर फिर किस पे जाएगा मुझे बताओ, तो एक दम नंबर डाल लो आप जल्दी, टाइम बच जाएगा आपका, एफ के बाद जे आएगा इनमें से 4, फिर पांचवा संख्या पे आएगा 48, छठा फिर इस पे जाएगा आई, ओ सॉरी मैं गलती कर गया, 4 इस पे आएगा, जे बाद में जाएगा तो छठा आएगा जे पर, क्योंकि 4 यहां आया, 5 वहां गया, 6 यहां आ गया, सातवां फिर अब आएगा अंक 7 और लास्ट में आठवां, ठीक है, अब उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्रम डालना आ गया आपको, भाई सबसे पहले संख्या, क्योंकि ऊपर ऐसे ही किया है, जैसे ऊपर किया सेम चरण ऐसे ही लगाना है, उपरोक्त चरणों के आधार पर करना है, तो अब क्या करते हैं, तो पहले नंबर एक लिखते हैं और बाकी जो ही उतार दो, देखो पढ़ने में बहुत आसान है, 64, 6, 4, 8, 2, 3, 5, 8, 2, 3, 5, 3, 5 और 1, 7, तो एक तो आ गया पहले, ये तो पहला चरण बना, अब दूसरा चरण बना, दूसरा, दूसरे चरण में क्या करूंगा, एक तो पहले ही सेट हो गया, दो अपनी जगह पे तो नहीं है, नहीं है, दो भी उठा के लाना पड़ेगा, और बाकी 6, 4, 8, दो तो उठ के आ गया, और बाकी 3, 5, 7, और तीसरा चरण क्या कहेगा, तीसरा चरण देखो, 1, 2, 3 भी उठ के आ रहा अपनी जगह पे तो नहीं है, नहीं है, 3, 6, 4, 3 तो उठ गया, 8, 5, 7, चौथे चरण में क्या करूंगा, चौथे में चौथा ऐसे लिखो, रोमन में लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4 भी उठा के लाना पड़ रहा, 6, 8, 5, 7, ठीक है, नेक्स्ट अगला पांचवा चरण, पांचवा चरण कहेगा 1, 2, 3, 4, बार बार दिमाग नहीं लगाना अब वहां पे, बहुत जल्दी सेट कर लोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो 5 भी उठा के लाना पड़ रहा, 6, 8, 7 कोई भी अपनी जगह पे सेट नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी बात, 1, 2, 3, 4, 5 तक 5 स्टेप तो हो गए, अब देखिए छठा मिल गया, वाह वाह काम हो गया, छठा अपनी जगह पे मिला, ठीक है अपनी जगह सेट, अब यहां पर
तुम क्या हो जी, अब 6 तो अपनी जगह मिल गया, बाकी मेन्यू उतार दो, फिर ये दोनों स्टेप बिल्कुल एक से हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं। तो आप देखिए इसमें बदलना पड़ेगा। तो 6 तो अपनी जगह मिला, इसमें तो तुमने कुछ किया ही नहीं, वही बैठा अपनी जगह पे, तो इसको फिर बदलो, एक और बढ़ा के, मतलब एक और सेट कर सकते हो, कोई अपनी जगह मिल जाए। तो 7 मैंने अपनी जगह किया, 8 को अपनी जगह, तो ये पूरा सेट हो गया। तो इसमें टोटल 6 चरण बने। अगर ऐसे पूछे कितने चरण बनेंगे, तो आपका आंसर आ गया इसमें टोटल 6 चरण बने, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या था, इस इनपुट में, इस इनपुट का चौथा चरण बताओ, तो चौथा चरण क्या है दोस्तों, ये है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, अब आप देखो 14 फॉर देखना कौन से मिल रहा है 14। अब मैं इसको लिख देता हूं इस पे, चौथे चरण पे ये 14 है, ये 4 है, फिर आएगा 3 नंबर वाला 36, फिर आएगा 4 नंबर वाला, वहां से छाटो ना, उसके ही तो बनाए, 4 नंबर किसको है, फिर आएगा 6 नंबर वाला, 6 नंबर जस्ट, देखो इतने से ऑप्शन मिल गया हो तो काम हो जाएगा, 4 36 इन जस्ट, 14 फॉर 36 इन जस्ट, 14 फॉर 36, ये तो गलत हो गया, इन नहीं आ रहा इसमें, 14 फॉर 36 इन जस्ट, जस्ट नहीं आया, 14 फॉर 36 इन जस्ट, अब तक यही सही चल रहा, पर दिक्कत क्या रही है, उपरोक्त में से कोई नहीं भी आ रहा, तो पूरा ही चेक कर लेते हैं। जस्ट 5वां आ गया। अब 6 7 8 पे क्या आ रहा है, तो 6 पे आ रहा है जस्ट, 6 पे तो जस्ट कर ही लिया, 7 और 8 को ही, सॉरी एक छूट गया हमारा, 14 फॉर 36 इन, इनके बाद जो आ रहा है पांचवे पर कौन था, 48, वो छूट गया ना, अब 48 ये वाला आएगा भाई, 48, क्योंकि इसमें तो जस्ट ही नहीं है, 48 जस्ट। और 7 8 पे क्या आ रहा है, 59 और टाइम, ठीक है, 59 और टाइम, ये टाइम और 59 और टाइम, उपरोक्त में से कोई नहीं लग रहा है, उपरोक्त में से, सॉरी भाई मैं तो 6 7 8 ये तो मैं इस क्रम पे लगा गया लास्ट में, ये बेकार हो गया पूरा मामला, चौथे चरण इनपुट पे मैं बेकार आपको बता गया, चौथे में आप पकड़ रहे होंगे गलती, 14 फॉर, मैं तो लास्ट में इसके हिसाब से कर गया, 14 फॉर 2 का नंबर है 36, वो 3 का है आपका 36, 4 का नंबर क्या है, 4 का है इन, ठीक है ना, 6 आएगा फिर, 6 का है जस्ट, ठीक है, फिर आएगा 8 आएगा, 8 पे क्या है टाइम, और फिर आएगा 8 के बाद 5 और 7, 5 पे आएगा आपका 48 और 7 के बाद 7 आएगा 59, ये मिला लो, ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, 14 फॉर 36 इन जस्ट, 14 फॉर 36 इन जस्ट, टाइम 48 59, बिल्कुल पहले ही सही कर रहे थे हम, ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं आ रहा, तो बिल्कुल ये सी ऑप्शन एकदम सही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए उपरोक्त इनपुट में कितने चरण बनेंगे फटाफट, अब इस इनपुट, एक और इनपुट आ गया, इसका यह इनपुट कितने चरणों में पूरा होगा, फिर से इनपुट बना दो, तो इसमें फिर नंबर डाल दो, तो जरूरी नहीं, देखो ऊपर 8 आए थे, 8 चीजें थी, तुम कहो इसके आधार पर, तो इसमें तो 8 थे, तो इसमें तो 6 ही है, क्या ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ ऐसा नहीं कि आपको 8 ही मिले, तो 6 भी मिल सकते हैं, तो आपको क्रम तो समझ आ गया ना, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, तो 1 नंबर, फिर 2 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 नंबर पे इनमें से आएगा, ही डिक्लेयर्स फिट, तो ही आएगा, डिक आएगा, एफ आएगा, तो ये आएगा 2 नंबर, 3 नंबर पे फिर 65 आ जाएगा, 4 पे फिर ये आएगा फिट, एफ जी एच है ना 4, और 5 पे ये संख्या, और 6 पे, ठीक है। अब इस इनपुट में कितने चरण बनेंगे, चरण देखिए बहुत जल्दी से आप कर लोगे कितने चरण बनेंगे, तो मैंने बनाया 1 तो अपनी जगह पे पहले ही सेट है, 1 तो आ ही रहा है, तो फर्स्ट चरण में 1 तो हमें सेट मिला ही, 2 को और सेट कर सकते हो, फिर 1 2 को उठा के लाना पड़ा, और फिर 6 5 3 4। अब दूसरा चरण क्या बोलता है, 1 2 अपनी जगह पे सेट है, 2 भी अपनी जगह पे सेट, 2 तो किया ही है हमने, सॉरी पहले चरण में, अब 3 को उठा के लाना है, बाकी 6 5 4। चौथा चरण क्या है, 1 2 3 यहां तक तो सेट हो ही गया, अब 4 को उठा के लाना है, 6 5, और वो तीसरा चरण था, तीसरा, और चौथा चरण क्या है, 1 2 3 4 तक तो सेट है, 5 कर दो अपनी जगह पे, 6, अब ये हो गया पूरी तरह से सेट, तो टोटल 4 चरण बन गए, आपका आंसर इस इनपुट के 4 चरण बन गए। चलिए आगे करते हैं, उपरोक्त इनपुट के तीसरे चरण में पांचवे पर क्या आएगा, देखिए ऐसे भी पूछ लेता है, उपरोक्त चरण में, इस चरण में तीसरे
चरण में, तीसरे में, पांचवें नंबर पे, तीसरे में पांचवें पर क्या आ रहा है, एक दो तीन चार, पांचवें पर आ रहा है छह, और छह पे क्या है, छह पे हमने माना ही, तो आपका आंसर है ही, ठीक है, ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर कहां से लिए हमने, यहां से, और ये छह नंबर किसका है, ही का, तो ही आएगा आपको, उत्तर तो इनमें से देगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये समझ लीजिए आप, फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। दिए गए डाटा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बाई नाव 25, तो इनपुट समझ लीजिए, नया इनपुट है ये, तो इस इनपुट को कैसे समझेंगे हम, समझिए ना, तो ये 60, फिर देखिए 15, तो ये लास्ट में आपने देख रहे हो एस एन एच बी, बी वाला लास्ट में लेके गया है, बाई बी वाला सबसे लास्ट में गया है। अब आप एक बात बताओ इसमें मुझे कि भाई बी वाला अगर लास्ट में गया है तो सबसे पहले जेड की तरफ से चलाइए, बिल्कुल, और ये संख्याओं का क्रम क्या चला है, 15 25 37, ठीक है, ये आरोही क्रम है और 72, ये आरोही क्रम है, तो समझ आ गया, पहले डिक्शनरी का उल्टा चला है और फिर ये एक डिक्शनरी और एक ये संख्या, एक डिक्शनरी एक संख्या, क्लियर समझ में आ गया। अब ये चेक कर लो, एक लाइन में दो सेट कर रहा है या एक ही सेट कर रहा है, पर इतने स्टेप बन रहे हैं तो एक लाइन में एक ही चीज सेट कर रहा होगा, कभी कभी दो दो चीजों को एक लाइन में सेट कर देता है, कोई बात नहीं। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, अब बाई नाव 25 72 37 15 हो, अब इसको कैसे करेंगे, अब इस पे या तो आप नंबर डालिए, पर हम इस पे क्यों डालें, क्यों टाइम वेस्ट करें, ये तो लिखा आ रहा है, ये समझ लिया हमने, इससे बस ये समझना है एक ही तो सेट कर रहा है साइड और बाकी को उठा के ऐसा का ऐसा ही, अगले में फिर साइड तो सेट है, फिर 15 को उठा के ले आता है क्योंकि संख्या रख देता है, फिर बाई बाकी जो का क्यों, तो ऐसे करता जा रहा, ऐसे लास्ट तक करता जा रहा, इसमें 15 सेट किया, इसमें नाव और बाकी ये जो सेट है ना उनको नहीं छेड़ते हम। चलिए तो आगे अब इस पर आधारित इनपुट समझ लिया, इतना ही टाइम दो इनपुट को समझने का, अब क्योंकि अपना इनपुट भी तो करना है, येलो बान में 36 84 टायर, और अब इनका क्रम रख लो, आप इनपुट दिया है तो सबसे पहले कौन सा आएगा, भाई अंग्रेजी का डिक्शनरी आएगा और वो उल्टी साइड से सबसे पहले ये आएगा, अब आएगा ये मैथमेटिकल अक्षर, क्योंकि इसने ऐसा कर रखा है, मैथमेटिकल अक्षर सबसे छोटा, हाँ इसने सबसे छोटा पहले लिया, तो दो नंबर इसको देंगे, तीन नंबर किसको देंगे, वाई के बाद, वाई से पहले जस्ट कौन सा आएगा डिक्शनरी में, वाई से पहले जस्ट, तो टी आएगा, तीन नंबर, फिर संख्या को देंगे, तो संख्या कौन सी आएगी, 12 से अगली, क्योंकि ये आरोही क्रम में है, तो 12 से बड़ी कौन सी, इनमें 36, तो ये 4 नंबर। अब टायर से पिछला, जस्ट पिछला L, G तो सबसे पहले आता है, तो L, L हो जाएगा पांचवा नंबर, और फिर छठा 84, सातवां इसको और आठवां इसको, तो आठों का इनपुट बना लिया, इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, अब इन इनपुटों के सवाल के जवाब देने इस इनपुट पर, तो पहले आप इसका क्रमबद्ध कर लो, फर्स्ट चरण क्या बोलता है, तो एक, एक तो अपनी जगह सेट है भाई, पहले पहला ही तो सेट करोगे, वो तो सेट मिला, तो अब दूसरा सेट, दूसरे की परमिशन हमें मिल जाती है, तो दूसरा और बाकी जो का त्यों, 8 4 6 3 2 तो हम उठा के लेंगे, 7 और 5, अब दूसरा चरण खुद बनाओ, कोशिश करो, 1 2 तो सेट है भाई, 1 2 तो इसमें ही सेट है, अब 3 उठा के ले आए, 3 उठा के ले आए, बाकी जो का त्यों, 8 4 6 7 5, अब तीसरा चरण, 1 2 3 तो सेट है, 1 2 3, अब 4 उठाना पड़ रहा है, हाँ उठाना पड़ रहा है, अपनी जगह पर नहीं मिल रहा, 8 6 7 5, अब चौथा चरण, 1 2 1 2 3 4 तो हमने कर ही लिए थे सेट, अब 5 की बारी है, 5 भी उठा के लाना पड़ रहा है, बाकी 8 6 7, और पांचवा चरण क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 तक तो सेट है, अब मैंने 6 उठा लिया और 8 7, चलिए अब छठे चरण पे आता है, छठा चरण दोस्तों क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 तक तो हमने पिछले में कर लिए थे, 7 यहां उठा के ले आऊंगा, 8 अपनी जगह पे फिट हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें ऐसे गिनती पूरी हो जाए वही समझो पूरा चरणबद्ध हो गया, अब इससे आगे करोगे भी क्या बताओ मुझे, सब कुछ तो सेट है। चलिए अब इसके आंसर कर लो,
दिए इनपुट को योजनाबद्ध करने पर दूसरे स्टेप में पांचवे पर क्या आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको एक ही इनपुट देगा और उसमें सारे क्वेश्चन बना देगा जितने उसे पूछने, दो तीन। तो ऐसे इनपुट, बड़ा इनपुट है, अभी छोटा नहीं है, बड़े में आता है। छोटे तो वो थे जो भी मैंने कराए थे एक से ही, सारे महेश सुरेश रमेश जो कराया था, ठीक है। अब आप देखो, दिए इनपुट को योजनाबद्ध करने से दूसरे स्टेप में पांचवे पर, तो दूसरा स्टेप ये था, इसमें पांचवे पर एक दो तीन चार पांच, पांचवे पर क्या आया चार। तो आप चार पे क्या था, चार पे क्या था 36 आपका उत्तर, क्योंकि चार थोड़ी मिलेगा इसमें, इसमें तो इनमें से मिलेगा। अब आपको तो पता है ना चार नंबर किसको दिया था हमने, 36 को। अब छठा सवाल, दिए इनपुट पे कुल कितने स्टेप बनेंगे, तो दिए इनपुट पे बताओ ना मुझे कितने स्टेप बन रहे हैं। तो दिया इनपुट, अब आप देखिए कितने स्टेप बन रहे हैं, 6 स्टेप बन रहे हैं, आपका उत्तर। 8 चीजें थी, 7 तो कम ज्यादा से ज्यादा बनते, 6 क्योंकि एक चीज अपने आप ही साइड में मिल रही थी। अब कौन से स्टेप में 92 पांचवे नंबर पे आ रहा है, 92 का नंबर देखो आप, 92 का नंबर है 8, तो 8 कौन से में पांचवे पर है, 8 इसमें तीसरे पर, इसमें चौथे पर, इसमें पांचवे पर, पांचवे पर है ना 8, देख लो खुद, पांचवे पर, कौन से स्टेप में, तीसरे में। तो आपका आंसर टी, क्लियर है ये सवाल। अगर आपको ये क्लियर हो गए हैं वाकई, तो अब आपको कोई समस्या नहीं है, यूपी पुलिस का एग्जाम है तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब आपने दो सवाल इस तरह के कर लिए और इनपुट आउटपुट उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजें कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं पेपर से पहले और भी आपको क्लैरिफाई कर दूंगा फिर इसको, ठीक है दोस्तों। ओके बाय। फिर भी आप अगर नहीं आता है तो वीडियो को दो तीन बार देख लो, इसको मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा होता है और मैंने कुछ बोल दिया और वही आपके काम की बात थी, वो आप नहीं सुन पाए, तो इसलिए दो बार या तीन बार भी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ओके बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।